हाय फ्रेंड्स, मैं आज अपना किचन मेकओवर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप मेरा पहले का किचन देख लीजिए, कुछ इस तरह से लग रहा था पहले। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहले कुछ इस तरह से लग रहा था मेरा किचन। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ये मेरी विंडो है, मैं जो दिखाना चाहती हूँ आपको, ये मेरी विंडो थी पहले, ये मुझे नहीं चाहिए थी, उसको मेरे को बंद करना था। इसमें मैंने बड़ा सा प्लाई लेके उसको वाइट पेंट किया है और उसके पीछे लगा दिया है, और उसके ऊपर मैंने ये बर्तन की रैक लगा दी है। ये दो रैक है फ्रेंड्स, मैंने बराबर साइज से ख़रीद के उसको शॉप से ख़रीद के लाई थी मैंने, और यहाँ पे लगा दी है उसमें। ये मैंने शेल्फ घर पे ही बनाया था, मेरे पास कुछ प्लाई के टुकड़े पड़े हुए थे, मैंने उसको एक से साइज़ से काट के उसको ये बनाया है। मुझे ये फ्लिपकार्ट में दिखा था, मेरे को अच्छा लगा था, इसलिए मैंने घर पे ही इसको बना दिया है। अभी इसको हम पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। वाइट कलर का पेंट किया था मैंने, क्योंकि मेरी किचन की स्टाइल जो है वाइट कलर की है, इसलिए मैंने उसको वाइट कलर ही पेंट किया है। मैं अभी इसमें यहाँ पे सेट करूँगी। इसको मैंने हैंग नहीं किया है दीवार पे, मैंने ऐसे ही उसको नीचे ही रखा है। अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी, आप पोछने का काम रहता तो ये जल्दी से आप उठा सकते हैं। मैंने इसके नीचे जो एरियल की जो बॉटल रहती है उसके ढक्कन से उसको उसके ऊपर उसके नीचे लगाया था, और इसके ऊपर ये शेल्फ लगा रखी थी। अभी मैं यहाँ पे कुछ अपने डिब्बे सेट करूँगी। ये डिब्बे मैंने प्लास्टिक के लोकल शॉप से ही खरीदे थे। इसके आगे मैं छोटे से डिब्बे लगे, ये भी मैंने लोकल शॉप से ही खरीदे थे। मेरे को इसका सेट मिला था और ये प्लास्टिक के मेरे को बहुत अच्छे लगे। सबसे पहले तो मुझे लगा था कि ये कांच के ही होंगे, पर ये प्लास्टिक के डिब्बे हैं। ये बड़ी साइज़ है उससे ऊपर की, ये आप जो ऊपर में लगाया था मैंने, इससे बड़ी साइज़ है। जैसे 1 किलो का जो कुछ सामान रहता है, जो साबुदाना वगैरह, वो इसमें नीचे के डब्बे में आ जाएगा, और वो ऊपर के 1/2 किलो के हैं। इसमें मैं सॉस के बॉटल भी रख रही हूँ, जो मेरे को सुबह में जो जल्दी जल्दी काम में आते हैं। सुबह बहुत भाग दौड़ रहती है क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें रहती है वो मेरे को यहीं पर मिल जाएंगे। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे अपना सामान सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके सामने मैं छोटे छोटे डिब्बे रख रही हूँ, जो मसाले वगैरह रहते हैं वो यहीं पे हो गए मेरा पूरा सेट, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाजू में मैंने एक ट्रे रखा है, उस पर मेरी चीनी चाय पत्ती वगैरह जो रहते हैं वो पिकरे हुए अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए मैंने एक ट्रे में ही उसको पूरा सेट कर दिया है, जो आचार की बॉटल रहती है, जो छोटे छोटे टिफिन वगैरह के डब्बे रहते हैं वो भी, जैम की बॉटल वगैरह, इसमें ही आ गई मेरी पूरी, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से लग रहा है अभी। कांच के ग्लासेस वगैरह मेरा पूरा यहीं पे आ गया है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये भी मैंने शेल्फ घर पे ही बनाया है। ये मेरे पास भी कुछ कलगड़िया बची हुई थी प्लाई के टुकड़े, तो मैंने उसको एक जैसे काट के उसको ये माइक्रम के जो धागे रहते हैं उसमें ये मैंने बनाया था। ये भी अपने मैं किचन में सेट करूँगी शेल्फ के बाजू में ही, क्योंकि वाइट कलर का ये सेल्फ था, इसलिए मैंने इसको भी वाइट कलर का ही लुक दिया है। मैं ओरिजिनल पैंट लगाने वाली थी इसमें, पर मैंने ये बहुत हैवी हो जाता था, इसलिए मैंने उसमें ओरिजिनल पैंट नहीं लगाए हैं, आर्टिफिशियल ही लगाए हैं। मेरे पास कुछ मटके पड़े हुए थे, उसको मैंने गोल्डन कलर का पेंट लगाया था, ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये मेरे पास दो थे दोनों साइज के, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऊपर ही सेट कर दिया बीच में।
ये नीचे वाले मटके भी मैंने लोकल शॉप से ही खरीदे थे, वो भी मेरे को बहुत अच्छे लगते, वो भी मटके ही हैं, उसको मैंने घर पे पेंट किया था। ये थोड़े अलग लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये वाले नीचे वाले। इसको तीनों को ही मैंने अलग कलर से उसको ये किया था, पेंट किया था। और ये ऊपर वाला भी मैंने, ये भी मटका ही है, इसको भी मैंने घर पे पेंट किया था। ये कुछ इस तरह से लग रहा है अभी सेट करने के बाद। चलिए अभी प्रेस का भी थोड़ा कुछ कर लेते हैं। ये भी मेरी पूरी बिखरी हुई पड़ी थी, उसके ऊपर मैं अभी कवर डाल रही हूँ। ये माइक्रोन की कुंडी है फ्रेंड्स, ये मैंने घर पे ही बनाई थी। और ये जो लीव्स दिख रही वो भी मैंने घर पे ही बनाए थे, वो जो हॉट ग्लू गन होता है उससे मैंने बनाया था, और गोल्डन पेंट करके उसको ये किया था, गोल्डन पेंट किया था। इसमें मेरा ट्रे भी आ गया है जो दवाइयाँ वगैरह रहती हैं अपनी बच्चों की वगैरह, और ये मेरा ये छोटा सा ट्रे है भी है। फ्रेंड्स ये मैं जो माइक्रम की जो कुंडी दिख रही है उसको बना के बेचती भी हूँ, और जो हैंगिंग वगैरह था वो भी बेचती हूँ। मेरी किचन की दीवार थी वो जो खाली लग रही थी, इसके लिए मैंने ये पेंटिंग भी किए हैं कुछ, आप देख सकते हैं। ये तीन पेंटिंग मैंने बनाई है। इसका वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि तभी मेरे पास ये मोबाइल नहीं था, बच्चों ने ले लिया था। अभी इसके पास इसके ऊपर मैंने ये कवर प्लास्टिक कवर लगा रही हूँ, उसके साइज से मैंने काट दिया है अभी उसको। प्लास्टिक लगाने से जो धूल वगैरह थी वो नहीं बैठती इसमें, नहीं तो ये जल्दी ही खराब हो जाता। मैं ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैं पूरा घर पे ही ये कर रही हूँ। इसके पीछे मैं फ्रेम वगैरह नहीं लगाया, जो मेरे पास कुछ खड्डे पड़े हुए थे उसके ऊपर ही मैंने ये ड्राइंग चिपका दी थी। अभी उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक पेपर लगा दिया, और इसके ऊपर मैं पूरा ब्लैक टेप से पूरा कवर करूँगी। चारों तरफ से उसको ब्लैक कलर का टेप लगा दूंगी मैं। ये टेप जल्दी इधर उधर चिपक जाता है, इसलिए मेरे को ये लगाने में बहुत ही तकलीफ हुई थी, क्योंकि फर्श से ये हाँ वहाँ चिपक जाता है और ये निकलने में भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैंने फ्रेम वगैरह नहीं खरीदा था, ऐसे ही उसको ब्लैक कलर से मैंने उसको कवर करके, वो भी अच्छा ही लग रहा था। ये चारों तरफ से पूरा कवर हो गया है, अभी जो एक्स्ट्रा का भाग है वो मैं काट दूंगी। लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। उसको मैंने डबल साइडेड टेप से लगाया था, वो पीछे में डबल साइडेड टेप लगा के थोड़ा उसको प्रेशर देना पड़ेगा, तभी ये अच्छा चिपकेगा। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी, आप देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स फाइनल लुक देखते हैं अपना।